नमस्ते, स्टडी लैब्स में आपका स्वागत है। बचपन में हम भोपू बनाया करते थे, कागज़ वगैरह से या दफ्ती वगैरह को मोड़ के, या मार्केट में भी मिला करता था। कुछ इस तरीके का होता था, आपको याद होगा कि इस शेप में हम कागज़ को मोड़ लें और अगर हम पीछे से बोलेंगे तो इसमें आवाज़ तेज़ हो जाती थी। वो तो साउंड का आप कह सकते हैं गतिविधि हो गई, एक एक्टिविटी हो गई, एक खेल हो गया। लेकिन बर्नौली, अगर हम उसको एक हार्ड सरफेस से बनाएं कि वो कागज़ मुड़े नहीं, तो वो साउंड का हो गया। लेकिन अगर हम इसको अखबार के कागज़ से बनाएं और कागज़ थोड़ा मुड़ सकता है, तो हम बर्नौली को भी वहां देख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं इसके अंदर हवा फूकूंगा तो आपको पता है कि स्पीड बढ़ने से बर्नौली क्या कहता है कि जो दाब है, जो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, और ये इसको पिचकाना चाहिए, चिपका देना चाहिए। ये जो पूरा कागज़ है ये ऐसे चिपक जाएगा अगर बर्नौली अप्लाई होता है। तो हम करके देखते हैं कि ये कागज़ का जो भोपू है, अखबार का जो भोपू हमने बनाया है, इसमें बर्नौली लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पास से रख के दिखाऊँ तो जो धागा होता है उसका मैंने रील लगाया हुआ है और ये अखबार का कागज़ है। अब देखेंगे कि क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या आपस में चिपक जाते हैं बर्नौली की वजह से। अब मैं पास में भी आके दिखाता हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। स्पीड बढ़ रही है, हवा की गति बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है अंदर का और बाहर का प्रेशर इसको दबा रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रयोग बर्नौली का।